गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना कल चैप्टर 8 किया था, आज हम अपनी वीडियो में आंसर दीज क्वेश्चन आंसर रीड करेंगे और समझेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप वीडियो को केयरफुली और अच्छे से सुने ताकि आपको हर क्वेश्चन का मतलब समझ में आए। स्टार्ट करें। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज, चैप्टर हमारा है 11। फर्स्ट क्वेश्चन, हु ब्रिंग्स आवर लेटर्स। पोस्टमैन ब्रिंग्स आवर लेटर। हमारे जो पत्र है वो कौन लाता है? पोस्टमैन ब्रिंग आवर लेटर। ओके स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई विल द गर्ल वियर अ पार्टी फ्रॉक? बिकॉज फेरी विल कम फॉर अ टी। क्योंकि उसके पास फेरी चाय के लिए आ रही थी। डू यू थिंक, थर्ड क्वेश्चन, डू यू थिंक द गर्ल लाइक्स रिसीविंग लेटर? यस, द गर्ल लाइक्स रिसीविंग लेटर। द गर्ल, यस, आपको इसमें क्या बताना है? यस, द गर्ल लाइक्स रिसीविंग लेटर्स। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज, ध्यान से देखिए लास्ट क्वेश्चन, डू यू लाइक गेटिंग लेटर्स? Do you write to anyone? Means, आप किसी को लेटर लिखते हैं या आपको कोई लेटर देता है? Yes, आपको पसंद है लेटर? Yes, I like getting letters and write to anyone. हाँ, मुझे पसंद है लिखना और लेटर को लेना। Okay students, ये चैप्टर 11 के आपके क्वेश्चन आंसर हैं। इन क्वेश्चन आंसर्स को आपको आपकी इंग्लिश की कॉपी पर नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में लिखना है। स्टूडेंट्स, आपको जो भी ऑनलाइन के माध्यम से आपका जो भी वर्क आ रहा है, आपको उस वर्क को कॉपी पर करना है, ताकि आप जब आपकी ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट होंगी तो आपका जो वर्क है वो कंटिन्यू आगे से चैप्टर स्टार्ट होगा। ये वर्क आपको दोबारा नहीं कराया जाएगा, आपको इसको अच्छे से नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग में आपको वर्क को करना है। ओके स्टूडेंट,